i don't know kangana. i know karan very, very well. Right. i know karan very, very well. i find kangana very, very entertaining. and that's about it. i don't, I don't want to comment on sure. something that is looks opportunistic. whatever actors, whatever directors, whatever producers, whatever writers, whatever singers, they've all tried to put their kids in. the audiences reject them exactly. that's the point. Uh, there is no nothing called nepotism over here. तीन साल से उनकी पहली मूवी के बाद उनको काम नहीं मिला उनकी दूसरी मूवी नहीं आई तो मतलब ये नेपोटिज्म तो होता ही नहीं कुछ वाह वेलकम टू पीप वे मैं हूं आकाश और गैस बात करेंगे मैं ऐसे कुछ लोगों के महानुभवों के जो आज जो भी कह रहे हो बहुत टाइम से ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते आए हैं ऐसे कुछ हिपोक्रेट लोग जो बॉलीवुड में हैं पर ये बात माने सिंह कार्य करते हैं नेपोटिज्म है ये बात माने सिंह कार्य करते हैं कि नेपोटिज्म एक रॉ टैलेंट एक अच्छे टैलेंट एक अच्छे काम को हमेशा दबाता है ऐसे लोगों को दबाता आया जो कि बहुत बड़े एक्टर्स हैं बहुत बढ़िया डायरेक्टर्स हैं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं कुछ ऐसी उनकी स्टेटमेंट्स को एक्सपोज करते हैं चलिए देखते हैं कुछ तीन महानुभवों को और बात करते हैं कि कैसे इन लोगों ने गुमराह सिखा गया नॉर्मल पब्लिक ऑडियंस को इतने सालों से I said it was very entertaining. Yeah. <laughs> Every morning I wake up and is great bathroom reading. <laughs> yeah. <laughs> तो ये बात हो रही है जहाँ सोनम कपूर से पूछा जा रहा है कंगना रानावत और करण जौहर के बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना बॉडीजम के चलते उन्होंने बोला कि भाई इट्स अ ग्रेट बाथरूम रीडिंग मतलब वो कह रही कंगना इज वेरी एंटरटेनिंग

Do you I'm very close house. to Anand Rai. Yeah. I'm very, very close to Sparabhaskar. Yes. And I'm very close to Karan. And these three people I know are very idealistic and ethical human beings. Right.

किसी और वुमेन को उठाते हैं लिफ्ट करते हैं तो वही सोनम आप बताइए आपने कितने ऐसी स्ट्रगलिंग को चांस दिलवाया बिकॉज़ आपके तो पापा अनिल कपूर हैं और आपके तो बड़े अच्छे फ्रेंड हैं आपने बोला कि करण जौहर तो आपने कितनी ऐसी ऊपर क्लियरली चोज दैट यू डोंट ऑल अबाउट दिस डिजीज विच इज प्रिवेलिंग इन योर इंडस्ट्री Where other actors and actresses are concerned, right? Because I would not do it for TRPs, I would not do it for a channel, and I felt like if I have to give an opinion or be opinionated, then it has to be for something that's relevant. Yes, and I don't. So she's saying that भाई मैंने decide किया मैं तो मत सिलेंगे करूँगी नहीं और मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए मुँह खोलूँगी जो कि relevant हो मतलब nepotism is not relevant. Um, Johar has only One film called yeah. I Hate Love Stories nine years back, and if he really was someone who was the flag bearer of nepotism, right? I'm sure he wouldn't have launched 12 directors. Right. मतलब कैन गेट सोनम कपूर को अगर लॉन्च नहीं किया करण जौहर ने एक मूवी में बस चांस दिया तो मतलब वो फ्लैग बीरियर नहीं है के. Uh, uh, because उन्होंने तो और स्टार को चांस दिया है uh, <laughs> उन्होंने सोनम कपूर को तो एक से ज्यादा नहीं दिया तो कैसे हो जाएंगे फ्लैग नेपोटिज्म के वाहक आई शुड क्लैप गाइज जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज एक बार क्लैप कर दीजिए सोनम के लिए आगे बढ़ते हैं both of of. them are right right. in their own way. I I right. I just find this argument something that I feel like I don't want to be a part of. Yeah, Yeah, आप yeah, uh, you right? nepotism के बारे में बात करेंगी तो कैसे चलेगा आपकी दाल रोटी कैसे चलेगी और उसके बाद एक बहुत बड़े महानुभव

स्टार्ट को अगर एक मूवी के बाद तीन साल तक मूवी ना मिले तो नेपोटिज्म नहीं है भाई जो ब्रेक मिला है आपके बेटे को विदाउट एनी एक्टिंग टैलेंट वो क्या है नेपोटिज्म नहीं है वो वो क्या इजी है मतलब वो है फास्ट ट्रैक उसको थी ऐसा कोई आके तो दिखाए यार बाहर से बाहर से तभी आ सकता है बंदा जो टैलेंटेड हो पर आपका बच्चा आ सकता है बिकॉज आपके भाई बंधु आपके दोस्त यार हैं इंडस्ट्री में आपके गॉडफादर्स हैं आपके बच्चे के जो उसको लॉन्च कर देंगे बड़े बड़े एक्टर्स बड़े बड़े डायरेक्टर्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स

हर कोई सरवाइव करेगा इंडस्ट्री में ऑडियंस की वजह से पर जो स्टार किड्स हैं उनको ब्रेक मिल जाता है नेपोटिज्म के चलते चलते उनको पारियों पे पारियां मिलती हैं कितने लोग हैं जिनको पारियों पे पारी मिलती है जबकि एक्टिंग नहीं आती और कई बार एक्टिंग सीख लेते हैं वो और बात है पर कई लोग तो एक्टिंग भी नहीं सीख पाते पर क्या ऐसा एक आउटसाइडर के साथ हो सकता fact, है इनफैक्ट जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी अच्छा काम नहीं मिलता बिकॉज़ फेवरेटिज्म होता है बिकॉज़ ग्रुपिज्म होता है, और ऐसे कुछ लोग जो बहुत ज्यादा शोहरत कमा रहे होते हैं बाहर से आते हैं तो ग्रुपिज्म के कारण कई बार उनको बुली और, हैरस भी किया जाता है, और कई बार चलता भी किया जाता है उनके जो उनसे भी जाते हैं, क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं क्या इस बात पर आप कुछ नहीं बोलेंगे सो मेनी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स चिल्ड्रेन डूइंग technically one of the biggest stars today is Varun Dhawan, na? Yeah. He should have been a director, na? Yeah. He's David Dhawan's son, na? So people went and liked Varun Dhawan. Ki David Dhawan kitna acha naachta tha? Ya David Dhawan ki body kitni achi thi? अब ये क्या logic है भाई ये मतलब ये कैसा argument है ये भाई साहब मतलब कहां से आते हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं इनका लॉजिक ये है कि जो डायरेक्टर का बेटा है वो तो डायरेक्टर ही बनना चाहिए इसको नेपोटिज्म कहते हैं भाई साहब एक तो साजिद खान मैं आपकी एक जो ना डेफिनेशन क्लियर कर दूं जो आप बात कर रहे हैं उसको वंशवाद बोलते हैं उसको बोलते हैं कि बेटे का बेटा पर इज अबाउट भतीजा अबाउट फेवरिंग रिजेक्टिंग क्लियर करो यू नो ये, ये पकड़ के जो आपके आ जाते हैं टट्टू उनके सामने आप कुछ भी लॉजिक दो यूट्यूब पे आपको अच्छा करारा जवाब मिलेगा जिससे आप ये चीजें फिर नहीं बोल पाओगे सिद्धार्थ मल होता है तो किसी का बेटा नहीं था तो ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता आई डोंट बिलीव इन दैट आई बिलीव इट्स

बाय दी ऑडियंस अरे ये तो उसका बेटा है अभी देखते हैं क्या करेगा भाओ wow. एक और मतलब राउंड ऑफ अफ्लॉज मतलब uh... मैं आप कहाँ थे सर आप तो आप तो पुरुष ही नहीं हो, तो हो आप तो महापुरुष हो बिकॉज आप कह रहे हैं भाई इट मेक्स टेन टाइम्स मोर डिफिकल्ट लाइफ फॉर दिस स्टार स्टार्किट बिकॉज दे हैव टू प्रूव द एक्सपेक्टेशन भाई तो जो बाहर से आउटसाइडर आ रहा है उसको प्रूव नहीं करना पड़ता उसको ऑडियंस के नज़रों में खरा नहीं उतरना पड़ता ये कैसा आर्ग्यूमेंट है यार और ये कैसे आर्ग्यूमेंट देखिए लोग चलते आ रहे हैं ये स्टेटमेंट चलती आ रही है और ये जो लोग माइक पकड़ के टट्टू लोग ये इंटरव्यू लेकर छापते हैं वो सुनते आ रहे हैं वो उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग कहा है पर यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे अब अब यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ऐसी ऐसी घटिया आर्गूमेंट्स पर यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी अगर आपको ये बातें कुछ समझ में आई हो इस वीडियो करने का गैज मकसद यही है यही दिखाना यही एक्सपोज करना कि कैसे लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देकर मेरे दे को इंटेलेक्चुअल साबित करते आए और लोग ये चीज़ सुनते आ रहे हैं एक्सेप्ट करते आ रहे हैं तभी ये चीज़ें हो रही हैं तभी कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ ये चीज़ होती आई है ये बुलिंग ये हेरसमेंट होती आई है ये आउटकास्टिंग होती रही है पर अब नहीं अब तो बिल्कुल नहीं आप क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपने ऐसी कौन सी बातें सुनी है आपको क्या लगता है कब कब आपने ऐसी स्टेटमेंट सुनी है कौन है ऐसे लोग अपने फॉल्स लॉजिक्स और फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स देखे लोगों को दबाते आए हैं लोगों को गुमराह करते आए हैं लोगों का जो ध्यान है ना भटकाते आए हैं और कई लोग हैं आप उनको स्पॉट कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप स्पॉट कर पाएंगे जब भी कोई ऐसी हरकत करेगा जब भी कोई ऐसे फॉल्स आर्ग्यूमेंट बोलेगा कभी भी कोई किसी को बुली करेगा या हैस करेगा या ऐसे जोक्स मारेगा तो आपको पता चल जाएगा और आपको पता क्या करना है आवाज़ उठानी है और उनको बताना है कि सर मुद्दा यह नहीं है मुद्दा कुछ और है तो इसी के साथ गाइज आई विल टेक यू लीव आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें थम्स अप कर दें इस वीडियो पे और गाइज सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नया वीडियो आएगा तो पता नहीं चलेगा वैसे भी गाइज सम हाउ माई चैनल इज नॉट गेटिंग व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स आई डोंट नो माई चैनल इज नॉट गेटिंग रिकमेंडेड देर इज समथिंग रॉन्ग बट आई बिलीव इन माई कॉन्टेंट आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू टू शेयर टू लाइक दिस कॉन्टेंट और आपको लगता है कि मैं आपको प्रभावित करता हूँ या मेरी बातों में कुछ डीप मीनिंग होते हैं मेरा कॉन्टेंट थोड़ा अलग है तो आपका सपोर्ट ही बहुत है मेरे लिए व्यू सब्सक्राइबर्स तो आते जाते रहेंगे uh, आपका प्यार आपके कॉमेंट्स जो मुझे मिल रहे हैं वो ही मेरे को मोटिवेट करता है कि बार बार मैं आऊँ आपके सामने ऐसे एक वीडियो लेकर ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखूँ जिससे लोगों की हिपोक्रेसी सामने आए तो क्या इसी के साथ मैं चलता हूँ ऐसे ही वीडियो में ऐसी रिएक्शन में एक बार फिर से मिलूंगा तब तक ले शब्बा खैर खुदाफ़िगल राम राम शेयर्स एंड गुड बाय